संदीप रेड्डी वांगा। अगर ये नाम अभी तक नहीं सुना है ना, तो ये नाम याद करके लिख लो डायरी में, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ना ये नाम तुम कई बार सुनने वाले। याददाश्त के लिए याद दिला देता हूं, अगर आपने कबीर सिंह देखी है ना, तो आपको संदीप रेड्डी वांगा के बारे में पता होना जरूरी। अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह, इन दोनों ही मूवीज के पीछे एक ही नाम था, रोता संदीप रेड्डी वांगा। इन दोनों ही मूवीज को लिबरल्स ने अपने तरीके से काफी तरीके से लताड़ा भी था कि भैया ये तो मिसोजिनिस्ट मूवी है, महिलाओं के प्रति अत्याचार दिखाया जा रहा है और मेल ईगो को यहां पर कुछ ज्यादा ही बड़ा करके दिखाया जा रहा, तरह तरह की बातें हुई थी कबीर सिंह को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने अच्छा खासा बिजनेस किया था, और सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि जितनी भी लैंग्वेजेस में ये मूवी बनी ना, सब में ही अच्छा बिजनेस किया। तो अब ऐसे में हमारे सामने एक नई मूवी का टीजर आया है, एनिमल। पिछले काफी समय से एनिमल को लेकर एक बड़ा खासा बस चल रहा था कि यार ये सबसे वायलेंट मूवी होने वाली है और इसमें रणबीर कपूर एक अलग ही अवतार में दिखाई देगा। लेकिन जब एक्शन की बात हो रही थी तो मुझे ना शमशेरा की याद आ जाती थी कि यार शमशेरा में भी तो उसने एक्शन किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था। लेकिन एनिमल का टीजर देखने के बाद में जो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है, वो ये कि संदीप रेड्डी वांगा को पता है कि किसी एक्टर के अंदर से उसकी वायलेंस स्ट्रीक को कैसे बाहर निकालना है। मतलब टीजर देखकर आपको उसके पहले 10 से 15 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि यार ये मूवी तो देखने वाली मूवी होने वाली है, और टीजर वाकई में इतना शानदार है ना कि पूछो मत। रणबीर कपूर का वो अवतार आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा जो शायद हम लोगों ने देखा तो था ही नहीं, बल्कि इमेजिन भी नहीं किया था कि यार ये बंदा ऐसा भी काम कर सकता है। अनिल कपूर है बॉबी देओल, बॉबी देओल को तो रीडिस्कवर करने का काम कर दिया है, और बंदा इस टीजर में सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए नजर आया है, लेकिन क्या नजर आया है, मतलब एक तरह से आपके दिलो दिमाग पर छाप छोड़ने वाला टीजर है हर एक चीज। हाँ, आपको कई जगहों पर फ्रेम्स देखकर, खासतौर पर जब रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की बातचीत होती है, उस एक सीन को देखकर आपको कबीर सिंह की याद जरूर आएगी। इवन जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको ही सुनकर आपको कबीर सिंह की याद आएगी। लेकिन आपको याद दिला दूं, इन सबके बावजूद भी एनिमल का टीजर बहुत शानदार है और मूवी देखने के लिए आपके अंदर एक आग लगाने के लिए काफी। अगर जितनी स्टोरी समझ में आ रही है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बीच में जो फादर और सन का जो बॉन्डिंग है उसको दिखाया गया है। रणबीर कपूर को एक बिगड़ैल अमीर बच्चे की तरह बताया गया है, और हर कोई उससे यही उम्मीद भी कर रहा है कि वो कुछ अच्छा नहीं करेगा, सिर्फ अपने घर का नाम खराब करेगा और पैसा उड़ाएगा और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर कहानी में कुछ मोड़ आता है जब अनिल कपूर का कुछ बिगड़ता है और फिर उसका बदला लेने का काम शुरू करता है रणबीर कपूर। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रणबीर कपूर से किसी ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो यहां पर रणबीर कपूर का बदले की कहानी शुरू होती है। और बॉबी देओल, जो कि आश्रम से काफी अच्छा कमबैक कर चुके हैं, एक बार फिर से बिल्कुल बैड एस अवतार में दिखाई दे रहा है बंदा, और लिटरली जो स्वैग है ना उसके बारे में क्या ही बोल। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 दिसंबर को जब ये मूवी रिलीज होगी ना, तो ये मूवी अगली 500 करोड़ वाली मूवी हो सकती है। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि इस मूवी को मतलब जितना टीजर को देखकर मजा आया है ना, अगर वैसी ही या मैं तो कहूं अगर उसकी 50% भी मूवी बनके आ गई ना, पब्लिक उसको देखने के लिए जरूर जाएगी। और एक और चीज बता दूं कि जितने भी हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं उनमें से अधिकतर इस मूवी के खिलाफ भी आगे खड़े हो जाएंगे और यही बोलेंगे कि यार ये क्या बना दिया तुम लोगों ने, मतलब महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, यहां पर खून खराबा दिखाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है, गोलीबारी दिखाई जा रही है। नसरुद्दीन शाह साहब ने भी 2 दिन पहले बुराई करी थी ना RRR की, तो ऐसे लोग आपको बिल्कुल मिलेंगे इस मूवी की बुराई करते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लेना कि ये मूवी थिएटरों में पर्दे फाड़ के रख देगी, और रणबीर कपूर की मुझे ऐसा लगता है अब तक की सबसे अच्छी मूवी होने वाली। आपको कैसा लगा टीजर जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।